स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर एडमिशन करा दिया था अभी तक 60 डेज प्लस जो मार्क्स का हम लोग स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर हमारा रिटायरमेंट डेथ क्लास उसके बाद हमारा फंडामेंटल्स uh, मैंने करा दिया था आपको एडमिशन आपका हो चुका है देन आज जो है बहुत सारा वीडियो आने वाला है आज हम लोग डिजोल्यूशन की जो जर्नल एंट्री है वो कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में फॉरफेटरी इशू ये सारे के सारे टॉपिक जो भी बच्चे हुए हैं वो सारा का सारा आज खत्म कर देंगे क्लास तो आज दिन भर अच्छे से जम के पढ़ाई करना मेरे साथ पूरा का पूरा स्केड्यूल कम्युनिटी टाइप पे क्लास सुबह डाल दिया है तो आराम से क्लास आप दिन भर उसको फॉलो कर सकते हो बात करेंगे डिजोल्यूशन जर्नल एंट्री की छः नंबर की जर्नल एंट्री क्लास या फिर आप फर्स्ट बोलो फोर्थ टू सिक्स मार्क्स की जनरल एंट्री पूछी जाएगी जो आपको जनरल तो एंट्री की, सारी की सारी वो सब कुछ सीखेंगे क्लास अच्छे से और तुम्हें पूरा का पूरा समझ में भी आएगा राइट स्टार्ट करते हैं क्लास जनरल एंट्री जो एंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आने की कोई चांसेस हैं तो वो जनरल एंट्री है तो देखते हैं सबसे सब पहले कोई भी एसेट्स अगर आप बेचते हो तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू टूरेशन ध्यान रखना क्लास आप कोई भी एसेट अगर बेचोगे बिल्डिंग बेचा बैंक टू तो टूलाइजेशन फर्नीचर बेचा बैंक टू टूलाइजेशन डेटर से पैसा मिल गया डूबा हुआ पैसा, पैसा बैंक टू तो टूलाइेशन सिर्फ डेटर से पैसा मिला बैंक टू टूलाइजेशन कंप्यूटर बेच के पैसा मिला बैंक टू तो टूलाइजेशन कुछ भी करो भैया एक ही एंट्री बैंक टू टूलाइेशन अच्छा अगर किसी एसेट को पार्टनर ले जाता है तो बैंक की जगह

कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की पेमेंट की रिलाइजन टू बैंक क्लास लोन की पेमेंट की रिलाइजेशन टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की payment की पेमेंट टू बैंक एक्सपेंस की payment की पेमेंट बैंक कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो एनी पेमेंट कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या होती है क्लास रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप कोई भी पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी रिलाइजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अच्छा अगर कोई पार्टनर कहता है भाई मैं पेमेंट कर दूंगा अपने वाइफ के लोन की या किसी लोन की मैं पेमेंट कर दूंगा तो रिलाइजेशन टू पार्टनर्स के कैप्ल अकाउंट टू साइड पार्टनर्स के कैपला अकाउंट आ जाएगा मेजर एंट्री इन्हीं दो चीज़ों में होती है इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्पेशली इस चैप्टर में अलग है जी आर पी एन एल डब्ल्यू सी आर और इधर है क्लास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पी एन एल तो इन तीनों की एंट्री क्या होगी जी आर डेबिट पी एन एल डेबिट डब्लू सी आर डेबिट टू पार्टनर्स के कैप अकाउंट जनरल रिजर्व डेबिट पी एन एल डबिट डब्लू सी आर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के कैपल अकाउंट और इसकी एंट्री क्या होगी क्लास यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू तो पीस पी एंड एल अकाउंट इसकी एंट्री रेशियो एक ही है ये तो आप हर चैप्टर में करते आ रहे हो कॉमन है बस गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ठीक है हमने ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें देख ली अब पार्टनर के खुद की लोन की एंट्री तो मैंने बता दिया पार्टनर लोन टू बैंक अगर लाइबिलिटी पार्टनर अगर क्लास पार्टनर अपने लोन के बदले कैश ले रहा है तो पार्टनर लोन टू कैश या टू बैंक असर ले रहा है तो टू रिलाइजेशन पार्टनर लोन टू रिलाइजेशन और एक बात हमें ध्यान रखना क्लास कोई भी क्रेडिटर कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाता है तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को अगर फुल सेटलमेंट में लेके जाता है तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे ध्यान रखना कोई भी करेडेटर बिजनेस के किसी भी एसेट को कोई भी लाइबरेटी बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाता कोई एंट्री पास नहीं करेंगे लेकिन बदले में जो पैसा वो हमें देता है या हम उसको देते हैं हम उसकी एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर थे पचास के एसेट है चालीस के वो कहते हैं दस और दो भैया तो दस पे करेंगे पे करने की एंट्री रिलाइजेशन टू बैंक अब क्रेडिटर पचास असट नब्बे के चालीस हमें वो देगा या तीस देगा बीस देगा जो भी देगा तो बैंक टू रियलाइजेशन उसकी एंट्री करोगे आप तो ये है मैक्सिमम चीजें जो क्लास आपको ध्यान रखना है इसके अलावा एक चीज और आती है क्लास और वो जो एंट्री का गेन और लॉस क्योंकि गेन लॉस से भी एंट्री पूछ सकता है गेन की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही रेशियो है इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है और लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल लोन नहीं गलती से लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट

पेड पेड हमेशा हमेशा क्रेडिट होता होता है paid, और born हमेशा debit होता है और बॉर्न डेबिट जो भी इंसान बॉर्न करेगा वो डेबिट होगा जो पेड करेगा वो क्रेडिट होगा अगर रिलायन एक्सपेंस फर्म बॉर्न कर रहा है तो फर्म क्या बनाती है रिलायंशन अकाउंट तो रिलायंश अकाउंट डेबिट लेकिन पेड कर रहा है फर्म तो टू बैंक यानी कि रिलायशन एक्सपेंस फर्म ने बॉर्न किया फर्म ने पेड किया तो आप लिखोगे रिलायंश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अच्छा रिलायशन एक्सपेंस अगर पार्टनर ने बॉर्न किया तो होगा तो डेबिट जिस पार्टनर ने उस खर्चे को झेला है जिसकी टेंशन है पार्टनर्स की अपल अकाउंट डेबिट और पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट अगर लाइशन एक्सपेंस फॉर्म बॉन करेगा तो लाइशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे और फर्म ही पे करता है तो टू बैंक अकाउंट लिख दोगे रिलेशन एक्सपेंस को पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर पे करेगा तो क्या लिखोगे क्लास टू बैंक अकाउंट मेरी बात समझ क्लास आई आपको ये चारों के चारों क्लास आपको केस अलग अलग ध्यान रखना है फर्म बॉर्न करता है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ए बॉर्न करेगा ए डेबिट बी बॉर्न करेगा बी डेबिट सी बॉर्न करेगा सी डेबिट फर्म बॉर्न करती तो रिलाइजेशन डेबिट ए पे करेगा तो टू ए सॉरी सॉरी गलती से लिख दिया ए पे करेगा तो टू ए टू बैंक नहीं आएगा टू पार्टनर्स के अपने अकाउंट आएगा टू पार्टनर इतनी सारी वीडियोस बन रही ना क्लासेस टाइम फटाफट फटाफट इतने डाउट इतनी मतलब समझ लो कि नींद बिल्कुल नहीं है और इस वजह से क्लास बोलता कुछ और लिख कभी कभी कुछ और देता हूँ थोड़ा सा क्लास एडजस्ट कर लें बिकॉज़ क्वांटम ऑफ वीडियो की वजह से क्या होता है कि दिमाग अपने ऑटो मोड पे चल रहा होता है बस कि हाँ ये चीज़ है तो कई बार मिस्टेक हो जाती है तो दिल से बिल्कुल माफ़ी और आप समझ जाते हो कि हाँ सर ये आपने लिख दिया गलती से ठीक है वो गलती से ही लिख दिया है मेरे इंटेंशन नहीं कि मैं आपको गलत कराऊँ आप पेपर में गलत करके आओ है ना ऐसा वीडियो क्यों बनाता फिर मैं चलो तो अगर पार्टनर बॉर्न करता है तो जो भी बॉर्न करेगा ए बॉर्न करेगा ए डेबिट बी बॉर्न करेगा बी डेबिट सी बॉर्न करेगा सी डेबिट ए पे कर रहा है तो टू ए बी पे कर रहा है टू बी सी पे कर रहा है टू सी तो पेड हमेशा क्रेडिट होगा बॉर्न हमेशा डेबिट होगा फर्म बॉर्न करेगा डेबिट पार्टनर बॉर्न करेगा पार्टनर डेबिट फर्म पे करेगा टू बैंक पार्टनर पे करेगा टू पार्टनर्स कैप अकाउंट अगर कुछ ऐसा खर्चा हो जो बॉर्न करे फर्म तो रिलायशन डेबिट पेड करे पार्टनर टू पार्टनर्स कैप अकाउंट यही है कंपनी का खर्चा ए ने पे कर दिया तो रिलायेशन टू ए स्पल अकाउंट अच्छा अब यहां पे अगर ए का खर्चा था ए ने ही पे कर दिया तो ए डेबिट टू ए इसकी नो एंट्री होती तो तो होगी अगर क्योंकि दोनों ऊपर नीचे डेबिट तो तराजू में वाट रख दो इधर भी एक किलो का वाट रख दो बराबर हो जाएगा कोई फायदा ही नहीं और निकाल दो दो दोनों को तो भी वो बराबर है तो इसलिए रखो ही मत उसी तरीके से अगर रिलेशन एक्सपेंस ए बॉर्न करता है और बी पेड करता है तो ए टू बी सी बॉर्न करेगा डी पेड करेगा सी टू डी तो जो पेड करेगा क्रेडिट जो बॉर्न करेगा डेबिट अगर दोनों ही सेम पर्सन है बॉर्न पेड वाले तो नो no एंट्री अच्छा सर कौन बॉर्न कर रहा है कौन पेड कर रहा है क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है फिर हम क्या करेंगे तो फिर हम अज्यूम करेंगे फर्म नहीं बॉर्न किया फर्म नहीं पेड किया कौन बॉर्न कर रहा है कौन पेड कर रहा है अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है फर्म ही बॉर्न कर रहा है फर्म ही पेड कर रहा है ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा आई क्लास बात समझ चलो अब चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन और बनाते हैं जिसमें जनरल एंट्री की प्रैक्टिस होगी और अच्छे से हम लोग करें उम्मीद आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना इस टाइम जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मोटिवेशन तभी आएगा जब आप लाइक करोगे आप वीडियो पूरी देख लेते हो अब लाइक नहीं करें अगर नहीं समझ आ रहा है तो डिसलाइक करो समझ आ रहा है तो लाइक करो एटलीस्ट कॉमेंट में बताओ तभी तो मैं इंप्रूव करूँगा ना आपकी गलती को मैं बताता हूँ तभी तो आप इंप्रूव करते हो तो प्लीज़ यार मुझे बताना जरूर कॉमेंट में समझ आ रहा है कि नहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना मैं जी जान लगा दूंगा उसको सही करने में कोई भी असेट तो इसकी एंट्री क्या होती है प्लस बैंक अकाउंट बेटा जितने पॉइंट है ना उतने पॉइंट की एंट्री लिखोगे और नरेशन लिखोगे पूरा तभी मिलेगा बींगी ठीक है? स्टॉक ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड टेकन बाई पार्टनर ए स्टॉक ए ले गया है

बैंक एंट्री सिखा रखा है मैंने आपको बनाना वैसे ही तो ये तीसरी एंट्री होगी चौथी एंट्री देयर वाज़ अ देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ टेन थाउजेंड जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करते हो जनरल रिजर्व की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी तो कितना जनरल रिजर्व है क्लास यहाँ पे टेन थ्री रेशियो फोर थ्री रेशियो वन है तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी अब कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉग होगी उतना समय बचेगा अभी दस हज़ार है चार से डिवाइड दोगे तो पच्चीस सौ आपको ये नहीं पता दस को चार से डिवाइड दें दे तो पच्चीस सौ होता है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड होता है ये नहीं पता टाइम लगेगा फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तीन से पच्चीस इंटू तीन पचहत्तर सौ पच्चीस इंटू एक पच्चीस सौ देर वॉज अ वील लोन ऑफ टू लाख विच वॉज पेड बाई क्वेश्चन कह रहा है हमने दो लाख का एक लोन लिया था हमने उसकी पेमेंट नहीं करी बिजनेस बंद हो रहा है तो हमारी गाड़ी उठा के ले गए लेकिन गाड़ी की वैल्यू एक लाख चालीस हजार ही लगाई है तो साठ हज़ार और देना है शॉर्ट फॉल वो क्लास हम पे करेंगे तो आप कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होती है रिलाइशन टू बैंक बिना सोचे कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो एंट्री रिलाइजेशन टू बैंक साठ हजार साठ हजार ठीक है छठा पॉइंट गेन और रियर रिलाइजेशन गेन टू इन ए एंड बी प्रॉफिट ए और बी में बांटा जा रहा है तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी तो कितना है क्लास यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड और ये कितना है का? चार दस तीस और दस हजार गेन है फोर्टी थाउजेंड थर्टी और टेन थाउजेंड आ रही है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जितने भी एंट्रीज थी इसके अंदर हम लोगों ने बना लिया नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ये भी जो एंट्री का है रवि शंकर और मधुर तीन पार्टनर्स इनकी रेशियो है सात दो सात दो नौ एक दस सेवन बाई टेन

जो हमारे डेटर्स थे एक लाख चालीस हज़ार के वो हमने एक एजेंसी को दे दिया उन्होंने पाँच परसेंट कमीशन काट के बाकी हमें पेमेंट कर दिया तो आप दो एंट्री कुछ बच्चे पास कर लेते हैं तो एक तो पैसा मिलने की बैंक टू रिलाइजेशन एक चालीस फिर रिलाइजेशन टू तो बैंक पाँच परसेंट सात हज़ार रुपये देने की लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा मत करना सीधा एक ही एंट्री पास कर देना क्लास वन और एंट्री होगी बैंक टू रिलाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है द रिमेनिंगटर फोर्टी सेवन थाउजेंड आउट ऑफ विच डी थाउजेंड कुछ इस फोर्टी सेवन थाउजेंड में से तो ये डूब गया तो जो तीस हजार है क्लास ठीक है उस हमें पैसा मिल जाएगा फिर आप एक और एंट्री पास करोगे बैंक टू रियलाइजेशन कितना थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड आई सजेस्ट कि फर्स्ट केस में आप दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हो या आप फर्स्ट केस का फर्स्ट का ए फर्स्ट का बी ऐसा करके भी कर सकते हो दो एंट्री आप पास कर सकते हो एक साथ भी कर सकते हो ये जो न फोर्टी था उसको तो हमने एजेंसी को दे दिया उन्होंने पाँच परसेंट सात हज़ार कमीशन काट के पैसे दे दिया बाकी जो सैंतालीस थे उसमें से सत्तर डूब गए तो बाकी उसे पैसा मिल गया आपको ठीक है क्रेडिटर्स पाँच हजार के पेड पैंतीस सौ इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम अब क्रेडिटर को आपने पे किया इसका मतलब नहीं सर इग्नोर कर दो बच्चे सोचते हैं जहां फुल सेटलमेंट दिखेगा वहां इग्नोर कर देंगे अरे भाई नहीं कोई क्रेडिटर किसी एसेट को ले जाता है तो एसेट खत्म लाइब्रेडिटी खत्म नो एंट्री यहाँ पे आपने पाँच हजार के क्रेडर्स को पैंतीस सौ दिया है ठीक है पैतीस सौ आपने दिया है और बैलेंस क्रेडिटर्स को आपने स्टॉक हैंडओवर कर दिया तो इसकी एंट्री नहीं करोगे स्टॉक पिचानवे का था आपने दे दिया नब्बे में ही नब्बे देना था पिचानवे का माल दे दिया उनको खुश है कोई दिक्कत नहीं नो एंट्री लेकिन जो पैंतीस सौ आपने पे किया उसकी एंट्री करोगे ना रिलाड़ थर्टी फाइव हंड्रेड थर्ड केस अब बिल्स रिसीवेबल टू थाउजेंड डिस्काउंट इज द बैंक एंड डिजनर एंड एक्सेप्टर एंड हैड एंड द सेम हैड टू बी मेट वे द फॉर्म बटा ये पॉइंट पक्का आता है क्लास मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई बिल डिस्काउंट कराया था और वो डिजर्नर हो गया तो आपको बैंक को भरना पड़ेगा आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था उसकी पेमेंट जो है बैंक लेता उससे जिसके नाम का बिल है वो उसने दिया नहीं तो आपके सर पे आएगा आपके टेंशन नहीं मान मान लो आप वैसे ट्यूशन पढ़ रहे हो आपने मुझे किसी को किसी और का चेक दे दिया ठीक है और उस चेक का वो चेक का पेमेंट नहीं हुआ तो मैं तो आपसे लूंगा ना पैसे उसी तरीके से क्लास यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिजनर हो गया तो उसकी पेमेंट फॉर्म को करनी पड़ेगी तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है एलाइजेशन टू बैंक अच्छी बात यह है कि एंट्री अलाइजेशन टू बैंक कुछ बच्चे सोचते हैं कि मोहन को पेमेंट हो रहा है तो टू मोहन मतलब मोहन टू बैंक यार वो क्लास की एंट्री है वो लिखनी नहीं है चैप्टर पढ़ रहे हो आप प्रॉफ़िट और 6000 छः हज़ार है प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि टू शंकर टू मधुर ये छः हजार है और है क्या है क्लास यहाँ पे सेवन टेन से डिवाइड छः तो ये बयालीस सौ छः नहीं बारह सौ छः कम छः सौ ठीक है बयालीस सौ बारह सौ और छः सौ छः हजार हाँ इस तरीके से क्लास आपकी हो गई सारी की सारी एंट्री छः के जितने भी पॉइंट्स थे आपने कर लिया पॉइंट और भी है क्लास यहाँ पे और रवि लोन अस्सी हज़ार टू द फर्म और ही टुक मशीनरी साठ हज़ार एज पार्ट पेमेंट साठ हज़ार उसने पार्ट पेमेंट में लिया है ध्यान रखना क्लास रवि का लोन है साठ हज़ार उसने पार्ट पेमेंट लिया है तो आप एंट्री क्या करोगे रवि लोन अकाउंट डेबिट कितने का लोन है एट्टी थाउजेंड वो कहता हैं साठ हज़ार रुपये पार्ट पेमेंट में ले लिया है तो टू कैश सिक्सटी थाउजेंड और बाकी जो भी बैलेंस है वो क्लास क्या करेगा अच्छा मशीन लिया उसने साठ हजार का सॉरी 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 मशीन साठ का लिया है तो मशीन अगर वो साठ का ले रहा है तो टू अकाउंट साठ हजार और जो बैलेंस बचेगा बीस हजार वो पैसे ले, ले लेगा यानी कि रवि लोन अकाउंट डेबिट रवि का जो लोन है वो डेबिट होगा अस्सी हजार से टू कै टू रियलाइजेशन फॉर मशीन मशीन अगर वो ले रहा है तो मशीन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे टू रियलाइजेशन साठ हज़ार बाकी जो बैलेंस बचेगा वो कैश लेगा पार्ट पेमेंट लिखा है फुल सेटलमेंट में नहीं लिखा है पार्ट पेमेंट अगर फुल सेटलमेंट में होता तो फिर बैलेंसिंग फिगर आता बीस हज़ार रुपये रिलाइजेशन के नाम से लेकिन इसमें फुल सेटलमेंट नहीं है पार्ट पेमेंट है मतलब बाकी वो कैश लेगा बस खत्म आपको एंट्री पास करनी थी आपने कर दी नरेशन लिख के प्रॉपर तरीके से आप एंट्री पास कर दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे इतने क्वेश्चन इतने पॉइंट्स करा दिए तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाएगा तीन मॉक टेस्ट आप बनाओगे कोशिश करो अच्छे से चलो एंट्री आपको पास करनी ए और बीज कोई भी असर्ट क्लास हो चाहे ना हो बिग गया ना तो बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड टू रियलाइजेशन ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अगला जेडा एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट टेन थाउजेंड एज ए बैड डेड इन प्रीवियस है उसने पैसे दे दिया वो डूब गया था कोई बात नहीं भैया वो पैसा आपको आ गया ना सात पाँच सौ तो जितना आ गया आप उससे एंट्री पास करो वो तो आपने उसका नाम मिटा दिया था भैया इससे कुछ नहीं मिलेगा फिर भी सात पाँच सौ मिलेगा तो कर दो एंट्री ए अग्री टू टेक ओवर द फॉर्म गुड नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स पाँच ए ने गुड ले लिया तो बाई ए लिखोगे तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सारी एंट्री देख रहे हो रियलाइजेशन के नाम से होगी फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड और इसमें एंट्री सबसे अच्छा क्यों लगता है छ पॉइंट है दो गलत हुए चार नंबर पक्के मिलेंगे और ना कोई बड़ी कैलकुलेशन है इसमें समय भी अच्छा खासा बचेगा देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर जो क्लास राइट ऑफ हो गया बुक से इट इज बी एट प्राइस लेस देखो एक पुराना कंप्यूटर है जो कि रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स बुक से हटा दिया था उसकी वैल्यू पांच हजार है उसे बी ने ले लिया है क्लास थर्टी परसेंट लेस में तो पांच हजार माइनस थर्टी परसेंट यानी कि पैंतीस सौ में बी ने ले लिया है तो बी टू तो रिलाई एंट्री क्या करोगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट थर्टी फाइव हंड्रेड टू तो रिलाइजेशन था वो पांच हजार का उसकी पांच की उम्मीद थी लेकिन बी कहता नहीं मैं ले जाऊंगा पैंतीस जो है मैं दे दूंगा दिया नहीं है उसने वो देगा इसीलिए वो पैंतीस उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे कैपिटल कम कर देंगे इन्वेस्टमेंट बीस हज़ार का था हज़ार शेयर्स था ऑब्वियसली हज़ार शेयर से तो बीस का एक होगा तभी बीस हज़ार बनेगा और रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स द इन्वेस्टमेंट शेयर एट वैल्यू अच्छा आज इसकी वैल्यू पंद्रह है तो हज़ार शेयर्स है पंद्रह के हिसाब से कितना बनेगा पंद्रह हजार हज़ार शेयर्स है पंद्रह के भाव से आज बिक जाएगा और पार्टनर उसे अपनी रेशियो में बांट लेंगे तो पार्टनर बांटेंगे तो बाई साइड ही बांटेंगे ना ए डेबिट असट बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है क्लास यहाँ पे पंद्रह हज़ार की वैल्यूशन है बिकॉज पंद्रह रुपये का एक है हज़ार शेयर्स है पंद्रह हज़ार को आप बांटोगे इनकी जो रेशियो है ये गिवन नहीं है तो इक्वली बांट दो सेवेंटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड तो बींग इन्वेस्टमेंट जिस आ, ए, बींग इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो इन इक्वल रेशियो इन इन वन रेशियो वन या फिर बींग लिख दो में हजार का है में का है. अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान समझना कि आपको बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो 6000 हजार दे रखा है नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते लेकिन नीचे क्लेम है क्लेम वो कितने का दो हज़ार यानी वर्कर के लिए जोड़ा छः था और अब दो हजार रुपये का क्लेम हो गया तो आप क्या करोगे सबसे पहले डब्लू सी आर को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या करोगे डब्लू सी आर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना ट्रांसफर करोगे चार हजार फिर आप पेमेंट करोगे चार हजार की तो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट करोगे अच्छा क्लेम दो हज़ार का है ना तो दो हज़ार का ही ट्रांसफर करोगे और दो हजार की ही आप पेमेंट कर दोगे यानी कि जितना भी लाइबिलिटी लिखा हुआ है नीचे उतना ही आपको ट्रांसफर करना है डब्लू सीआर डब्लू सीआर केसेस की अलग से वीडियो आएगी प्लीज उसको अच्छे से देख लेना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जो केसेस की वीडियो आएगी अलग अलग जितने भी केस होते हैं रिजोल्यूशन में अलग है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बाकी एडमिशन चेंज इन पीस रिटायरमेंट डेथ उनमें अलग है तो इसकी अलग से एक वीडियो आएगी जरूर देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा तो नीचे क्लेम जितना भी लिखा हुआ है दो हज़ार क्लेम है तो दो हज़ार ट्रांसफर किया दो हज़ार की आपने पेमेंट कर दी बाकी चार हजार पार्टनर्स बट जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डब्लू सीआर बाटोगे तो एंट्री होगी गए सी आर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी चार हजार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों में इक्वल रेशियो है गिवन नहीं है तो दो हज़ार दो हजार तो ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्लास बैलेंस शीट में डब्लू सी आर दे रखा है छह हजार का नीचे क्लेम है दो हजार का तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें ट्रांसफर करोगे दो क्लेम दो हजार का तो पेमेंट भी कर दोगे दो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है चार हजार अभी भी बचा है वो ए और बी में बढ़ जाएगा तो इसके एंट्री डब्लू सी आर टू एंड बी इसके एंट्री डब्लू सी आर टू एलाइजेशन एलाइजेशन टू बैंक ये तीन एंट्री क्लास इस केस में टोटल बन जाती है तीन के तीन एंट्री जनली हम लोगों ने जनरल एंट्री अच्छे से सीख लिया है उम्मीद है आप लोगों को जनरल एंट्री समझ आई होगी और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस के मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो और भी क्लास जो मॉक टेस्ट हमने रिलीज किए हैं आप उस मॉक टेस्ट के अंदर से भी क्लास जनरल एंट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि जनरल एंट्री का टॉपिक आपका बहुत अच्छे से हो जाए अगर आपको एंट्री आ गई समझ लो रिलेशन अकाउंट भी आ जाएगा तो रिजोल्यूशन सेफ हो जाएगा दो ढाई घंटे का समय लो टोटल इंक्लूडिंग वीडियो तो आपने आधे घंटे में देख लिया लगभग तो अभी दो घंटे का समय और लो और क्लास जनरल टॉपिक अच्छे से खत्म कर लो कि चलो ठीक है छह आई तो पांच तो सही जाएगी चार आई तो तीन तो सही जाएगी, जाएगी। फॉर फ्यूचर री इशू है अच्छा लगता तो लाइक करना शेयर करना क्लास अपने सारे के सारे दोस्तों में कमेंट करना मत भूलना क्लास कितनी प्रिपरेशन हुई और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी मैं कोशिश करूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ